हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है मनदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन टेक एडवाइस के इस न्यू वीडियो में। और गाइज, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करने वाले हैं इस वॉशिंग मशीन ट्रॉली की। ये आती है बिल्ड स्किल की तरफ से और ये एक मैक्सिमम मशीन वेट कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी वाली वॉशिंग मशीन ट्रॉली है। इजी टू मूवमेंट है, जैक फॉर स्टेबलिस एंड वाइब्रेशन ऑप्टेक्शन के लिए है, मतलब इसमें जैक्स वगैरह भी आते हैं। वो सारी चीज़ें हम इस ट्रॉली की जब अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में मैं आपको लाइव इसका डेमो भी दूंगा, वॉशिंग मशीन रखे कि कैसे स्टेबिलिटी देती है और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये ट्रॉली आपको लगभग अमेजन पे मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। 1000 रुपीज के आसपास इसका प्राइसिंग है और मैंने इसे बाई किया है अपनी वॉशिंग मशीन के लिए, जो कि फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन है और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये फ्रंट से आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। बैक साइड से अगर बात करें तो बैक साइड से आपको कुछ इस टाइप का इसके अंदर देखने को मिलता है। और अदर्स प्रोडक्ट्स इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग, ये क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर पेंट स्प्रेस बनाते हैं, ठीक है, जिसकी मैंने पहले वीडियो बना रखी, आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्क्रू ड्राइवर बनाते हैं, जिसकी वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा टूल किट्स के अंदर ये बहुत सारे इसके टूल किट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पर इन्वर्टर ट्रॉली चाहिए तो वो मिल जाएगी और बाकी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप बिल्ड स्किल अमेजन पे सर्च करके भी देख सकते हैं, आपको बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स अदर्स भी देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस वॉशिंग मशीन ट्रॉली के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और कैसा इसका वो है। तो इसके ऊपर टॉप से कुछ इस टाइप से टेप लगी हुई थी जो कि मैंने पहले ही निकाल ली थी, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे। और इसको सिंपल आपको ओपन करने के लिए कुछ इस टाइप की इसके अंदर आपको बॉक्स मिलता है, तो इसको आपको ओपन करना है सिंपल इस टाइप से। और अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो अच्छी पैकिंग में आती है, मतलब देखिए इतने भारी स्टील की बनी, मेटल की बनी हुई होने के बावजूद आपको कैरी मिलता है, अच्छा बॉक्स में मिलती है पैकिंग। कुछ इस टाइप की वॉशिंग मशीन है, अच्छी खासी हैवी है। और वेट की बात करूँ तो आराम से 7-8 kg वेट तो इसके अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमारे को ये ट्रॉली मिलती है वॉशिंग मशीन की, तो इसको एक बार रख देते हैं साइड में। देन हम इसके अंदर देखें तो हमें क्या कुछ मिलता है, तो ये एक यूजर मैनुअल आपको देखने में मिल जाता है कुछ इस टाइप का, सिंपल सा है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं किस टाइप से क्या वर्क करेगा, तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मेरे लिए ये कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वैसे भी काम का नहीं होता। तो ये मिलती है हमें वॉशिंग मशीन ट्रॉली, देखिए अच्छी खासी हैवी है। ऊपर की बात करें तो ग्रिप के लिए रबड़ लगा हुआ है, अच्छी मतलब अच्छी चीज है कि आपकी वॉशिंग मशीन इस पर रखने के बाद में हिलने वाली भी नहीं है। सेकंड, आपको यहाँ पर ये एक आउटर मिल जाता है, मतलब इससे बाहर गिरेगी नहीं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है। उसके अलावा वॉशिंग मशीन की बात करें तो जो मूवमेंट के लिए आपको जैक्स मिलते हैं वो इस टाइप से हैं, मतलब आपको अगर टायर्स का काम नहीं लेना है और एक जगह रखनी है या ऑन करनी है कहीं भी रख के, तो आप इनको बाहर कर सकते हैं, टायर से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद में ये आपको मतलब एक स्टेबिलिटी देंगे। उसके अलावा टायर की बात करें तो 360 टायर्स आपको देखने में मिल जाते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन या फिर आप कहीं और अदर किसी अपने जैसे रेफ्रिजरेटर में यूज ले रहे हैं, कूलर में यूज ले रहे हैं, तो उसमें भी ले सकते हैं। अगर आपको इसको कहीं से भी मतलब यूज करना है, मतलब चौड़ा है आपका वॉशिंग मशीन या फिर कोई भी और, तो आप इनको कुछ इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। देन आप इन्हें देखिए, ये यहाँ पे लगे हुए हैं चारों तरफ, तो आप इनको लूज कर लीजिए। इस टाइप से, और देन गाइज आप इनको जैसा भी आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए या फिर हाइट चाहिए वो आप कर सकते हैं, तो कुछ इतनी ही आपको बन जाती है आराम से, ठीक है। तो आपका अगर कोई वॉशिंग मशीन बड़ी है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो उसमें भी आराम से फिट हो जाएगी। और अगर आपका कोई कूलर स्टैंड आपको बनाना है तो वो भी ट्रॉली वो भी बना सकते हैं, आपका रेफ्रिजरेटर ट्रॉली बनानी, तो इजी टू फिट है, किसी भी डिवाइस जिस भी आपको अप्लायंस में यूज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप देख सकते हैं, मेटल की बात करूँ तो गाइस बहुत अच्छा मेटल यूज किया हुआ है, मतलब आप कितना भी वेट रख सकते हैं ये आराम से झेल लेगी। जैसे कि मैंने देखा था इसके अमेजोन पे तो 150 kg तक का ये रिकमेंड करते हैं, यानी 150 kg तक का आप कोई भी अप्लायंस इस पे आराम से रख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है आराम से ये, अगर आप इसमें मोर वेट भी देंगे
तो वो भी इसके अंदर यूज हो सकता है। अभी के लिए मैं अपनी वॉशिंग मशीन आपको इस पे रखता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से मतलब फिट होती है। तो गाइस देखिए, अभी मेरी मैंने इस ट्रॉली पे अपनी वॉशिंग मशीन रख ली है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से फिट आ गई है। थोड़ी सी इन ट्रॉली मतलब बड़ी लग रही है, लेकिन जैसे मेरी वॉशिंग मशीन देखें तो थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, इसलिए थोड़ी सी है, बाकी अच्छे से फिट हो गई है, आराम से कहीं नहीं हिलने वाली है। अब मुझे इसे एक इधर से उधर कभी भी कहीं भी मूवमेंट कराना है, मैं आराम से करा पाऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। अब जैसे मेरे को एक जगह पर रखना है वॉश करने के लिए, और ऐसे रखूंगा तो ये मतलब हिलेगी और स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और मुझे इसे फिट करना है तो सिंपल मैं इनको टाइट कर दूंगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। चारों तरफ ये दिए हुए हैं, तो इससे क्या है टायर्स थोड़े ऊपर हो जाएंगे, देन हमारी वॉशिंग मशीन इन पैरों पे आ जाएगी, और कितनी भी वाइब्रेशन हो फिर हमारी वॉशिंग मशीन इधर से उधर मूवमेंट नहीं करेगी और गिरने के चांस कम हो जाएंगे, मतलब कम क्या बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमें इन्हें चारों को कर देना है। अब देखिए मैंने दो ही किए तो हमारी वॉशिंग मशीन हिलनी बंद हो गई है, कम हो गई है, मैं बाकी दो भी कर देता हूँ, ठीक है। एक लास्ट हमारा जो बचा है इसे हम कर देते हैं, आप देख सकते हैं मैंने चारों को टाइट कर दिया। अब मेरी वॉशिंग मशीन देखिए कितना वाइब्रेशन करेगी, कहीं नहीं जाने वाली है, बिल्कुल अच्छे से टाइट हो चुकी है। अब मुझे कभी भी मूवमेंट करना नहीं है, मेरे को इनको वापस यूज करना है, और सिंपल मैं इसको मूवमेंट करा सकता हूँ, बाकी स्टेबलिश हो चुकी है हमारी वॉशिंग मशीन, और बिल्कुल परफेक्ट चीज है, मुझे अच्छी लगी, और मतलब क्या बताऊँ आपको, 1000 रुपीज में बाहर मार्केट में आपको 500-600 में मिल जाएगी, बट मैं इसको वैल्यू फॉर मनी इसलिए कह रहा हूँ कि लॉन्ग टाइम कितना भी वेट दीजिए, अच्छे से हर फीचर आपको इसमें मिल जाएगा जो हमें वॉशिंग मशीन के लिए चाहिए, तो इसलिए वैल्यू फॉर मनी है, गुड है, अच्छी ट्रस्टेड कंपनी की है, और मुझे अच्छी लगी, और मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज, अगर आपको बाय करनी है आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, आपका कोई भी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।